नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका शाही स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। सिंधिया ने बीजेपी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और कहा वे बीजेपी के साथ देश सेवा और प्रदेश की प्रगति में हर संभव योगदान देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल आने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सिंधिया विधायक के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिंधिया प्राइवेट विमान से दिल्ली केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे। भोपाल में सिंधिया के स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और महापौर आलोक शर्मा मौजूद रहे। सिंधिया ने भोपाल में अपने शक्ति प्रदर्शन के स्वरूप रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन के साथ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां बीजेपी ने सिंधिया का शाही स्वागत किया। अब से पहले कभी सिंधिया का भोपाल में ऐसा स्वागत नहीं हुआ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।